अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ शाही टुकड़े की। बहुत ठंडी और मीठी सी ये डिज़र्ट बन के तैयार होती है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने मिल्की ब्रेड के यहाँ पर 4 स्लाइसेस लिए हैं। इनको मैं ट्राइंगुलर शेप में काट लूँगी, लेकिन पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ बादाम, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड करूँगी, और 2 चुटकी के बराबर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर इलायची का पाउडर। 5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। कढ़ाई के अंदर दूध ऐड करेंगे। पहले फ्लेम को मैंने हाई रखा है, वेट करेंगे दूध को बॉयल आने तक। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया, अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी बादाम, पिस्ता और इलायची का पाउडर। दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसके अंदर अब ऐड करेंगे चीनी। मीडियम फ्लेम पे ऐसे इसको हिलाते हुए हम पका लेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए और नीचे भी ना लगे। दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं। इसके किनारों पे जो मलाई है इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से ये थिक होके तैयार है। फ्लेम को अब ऑफ करेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। ब्रेड के स्लाइसिस को अब मैं काट लूँगी। इस तरह इक्वल साइज में इसके सारे स्लाइसेस हम काट लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को डिप करने के लिए मैं चाशनी तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप पानी और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लेमन जूस, ताकि इसके क्रिस्टल्स ना बने। फ्लेम को ऑन कर दिए। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चीनी, 1 कप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर ऐड करेंगे अब ये लेमन जूस। इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने 5 मिनट तक इसको पका लिया है। चाशनी बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से हम इनको फ्राई करेंगे। साइड अब चेंज कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको अब निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी सारे स्लाइसेस को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, इनको अब असेंबल कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को डिप करेंगे चाशनी के अंदर। और इनको रखते जाएंगे एक एक करके।
इसके ऊपर अब ये रबड़ी ऐड करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और पिस्ता बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, इसके ऊपर अब ये ऐड करेंगे। अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। आप जैसे चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। 2 से 3 गुलाब की पत्तियां ऐड करूंगी। फ्रिज में इसको रख के अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। शाही टुकड़े की ये यमी सी रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।